नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है आपके अपने एसटी परिवार में। दोस्तों, एक बार फिर से हम यहाँ यूपी पुलिस में एक और शानदार सेशन साइंस का लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने दोस्तों। और मजे की बात यह है कि साइंस के तीनों सेगमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप यहाँ बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए साइंस के लेकर आए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यूपी पुलिस में एक मंडे और एक फ्राइडे यानी आज के दिन दो दिन क्लासेस रहती हैं दोस्तों यूपी पुलिस की, अगर मैं बात करूं साइंस की, क्योंकि दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आपको साइंस के यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले जो हमारे एक एफर्ट पूरे एसटी कैंपस पूरे एसटी परिवार का जो एफर्ट है वो ये है दोस्तों कि एक हैवी डिस्काउंट 70% डिस्काउंट के साथ में कुछ कोर्सेज को, इनफैक्ट सभी कोर्सेज को बोलना चाहिए मुझे, सभी कोर्सेज को लॉन्च किया गया है, चाहे वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज हो, चाहे वो आपके बैचेस के कोर्सेज हों दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अपने साइंस की, तो साइंस का जो बैच ये रहने वाला है, जो कंप्लीट कोर्स है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को हम पढ़ेंगे, वो मात्र 149 रुपीज़ का है। ओके, चलो बाकी दोस्तों ये आपका यूपी पुलिस सुबह 9 बजे से चल ही रहा है, जिसमें मेरी दो दिन क्लास रहनी है मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस में तो शाम को 7:20 PM से मेरी क्लास रहती है, डेली रहती है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। दूसरा MTS की बात करें तो इस MTS में भी मंडे और फ्राइडे मेरी क्लासेस रहती हैं दोस्तों, इसका मतलब आज मेरी इसमें क्लास होनी है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर आप कितने बजे आएंगे, तो मेरे भाई मैं 5:15 PM पर आज आऊँगा एक और सेशन लेकर SSC MTS के लिए। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों, ये अग्निवीर जो रात में 8 बजे से चल रहा है, इसमें 9:20 PM पर मेरी क्लास होती है, शाम 9:20 पर दोस्तों मेरी क्लास होती है। क्लियर, चलो तो दोस्तों एक बहुत बेहतरीन सीरीज के करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चंस की धांसू सीरीज करने जा रहे हैं, राइट। यहाँ पर सभी से मैं उम्मीद करूँगा कि सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, बहुत ही शानदार सेशन ये रहने वाला है दोस्तों, मेरा विश्वास करिएगा। क्या है दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपको विजिबल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण वश होता है, मतलब आर्सेनिक की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए दोस्तों वाटर में तो किस प्रकार का रोग हमको हो सकता है, सिंपल शब्दों में ये जानना आपसे चाह रहा है, ठीक है। तो क्या वो अल्जाइमर डिसीज़ हो सकती है, या पार्किंसंस डिसीज़ हो सकती है, या स्किन कैंसर हो सकता है, या दोस्तों मंदाग्नि हो सकता है। देखिए पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आर्सेनिक की बहुलता पानी में ज़्यादा हो जाएगी, और लगभग कितनी ज़्यादा, 500 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, मोर देन 500 माइक्रोग्राम, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बीमारी को लेकर आएगा, और जो बीमारी इससे होगी वो स्किन कैंसर, त्वचा से संबंधित बीमारियां होंगी, किससे दोस्तों, त्वचा से संबंधित बीमारियां होंगी। दूसरा अगर मैं बात करूँ अल्जाइमर डिसीज़ की, तो इस डिसीज़ में दोस्तों याददाश्त, ठीक है, जो मेमोरी होती है, मैं मेमोरी लिखूँगा यहाँ पर, कि जो याददाश्त होती है, जो मेमोरी होती है, वो वीक हो जाती है, चीज़ों को भूलने लगते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पार्किंसन डिसीज की, तो ये भी माइंड में होने वाला एक रोग ही है, जिसमें हम अपनी नर्व कोशिकाओं को खो देते हैं, क्लियर, नर्व सेल को खो देते हैं दोस्तों, उनका रप्चर होने लगता है इस पार्किंसंस रोग में, यानी कि कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो जाता है। स्किन कैंसर आपका हो ही गया दोस्तों आर्सेनिक के कारण, और ये मंदाग्नि क्या होता है, ये पाचन से संबंधित बीमारी होती है, पाचन, कहते हैं ना पेट में अग्नि होती है, वो अग्नि प्रॉपर तरीके से खाने को नहीं पचा पाती है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, मंदाग्नि बोलते हैं। तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये पाचन से, समझ में आया, सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, क्लियर, आवाज आ रही है ना सभी को, चलो सारे क्वेश्चंस को हमने क्लियर कर लिया है, और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन आपका, देखते हैं स्क्रीन पर, किस विटामिन की कमी होने पर रक्ताल्पता हो जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। रक्ताल्पता का मतलब है एनीमिया, मतलब इसमें ब्लड कम हो जाना, वीकनेस, फटीक, ये सब आसानी से शरीर को जकड़ लेते हैं दोस्तों।
सो डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज एनीमिया। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कि होती है विटामिन बी, उसके रूप में दिया हुआ है। विटामिन B5 है, B12 है, B6 है, और फाइनली क्या है, B5 है, सॉरी C है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन B12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसे हम साइनोकोबालमिन, क्या इसका साइंटिफिक नेम होता है, साइनोकोबालमिन। B5 की बात करें तो इसका पैंथोटिक एसिड, इसका दोस्तों क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। B6 की बात करें तो पाइरेडिक्सिन, पाइरेडिक्सिन इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम होता ही है मेरे भाई, क्लियर दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें कि खून की कमी किस विटामिन के कारण होती है, तो वो है आपका विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालमिन बोलते हैं, क्लियर। RBCs का कम हो जाना, काउंट में RBCs का कम हो जाना ही रेस्पॉन्सिबल होता है खून की कमी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, ओके। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, ठीक है। जंबो पैक है क्वेश्चंस का, क्या है, जंबो पैक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से सभी लोग आंसर्स करेंगे, है ना। क्या कह रहा है दोस्तों, आपको एक तरफ विटामिंस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए हुए हैं, मतलब आपको ABCD चार विटामिन दिए हुए हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, और चार ही क्या दिए हुए हैं आपको, चार ही क्या दिए हुए हैं दोस्तों, आपको पांच होने चाहिए थे, ये चार है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्लियर। सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल होता है साइंटिफिक नेम, और ये नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है इसकी कमी से, मतलब आँखों के लिए अच्छा होता है, त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। तो दोस्तों स्वास्थ्य, त्वचा और सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक, तो सीधा सीधा ए का क्या हो जाएगा, 3। अब हमने यहाँ देखा ए का 2, इसको काट दीजिए, ए का 3 ये रेस में है, ए का 3 ये भी रेस में है, लेकिन ये रेस में नहीं है, तो 2 तो हमारे एक आने से ही कट गए, ठीक है। अगला है दोस्तों सी, तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, क्लियर। तो उसमें विटामिन सी का क्या काम है, सामान्य जनन क्रिया में सहायक नहीं, ये तो विटामिन ई होता है मेरे भाई, ठीक है, ये कौन से का काम होता है, विटामिन ई। दूसरा है कैल्शियम के अवशोषण और उपापचय में सहायता, ये विटामिन डी का काम होता है। तो डी का हमको 2 मिल गया, ठीक है, डी का 5 यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर 5 भी कोई पॉइंट है दोस्तों, वो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डी का 2 वाला, डी का 2, ए डी का यहाँ 1 दिख रहा है, सॉरी सी का 2, तो सी का 2 नहीं है, हाँ सी का 2 दोस्तों यहाँ पर है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए सी का 2 और ए का 3, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है अब तक, ठीक है दोस्तों। लेकिन बाकियों को समझते हैं कि जो गलती है वो कहाँ है। अब है विटामिन B12, तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि लाल रुधिर कोशिकाओं के बनाने के लिए आवश्यक, तो डी का क्या हो जाएगा, 4। तो ये एक्चुअली 5वें नंबर पर ही था दोस्तों, इसको मान लेते हैं 5th नंबर, ठीक है, इसको मान लेते हैं 5th नंबर, और चौथा नंबर जो मिसिंग है इसमें वो विटामिन सी का ही मिसिंग है, विटामिन सी का ही मिसिंग है। विटामिन सी को हम क्या बोल सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। चलो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, विटामिन ए जो आपको स्वस्थ त्वचा में मदद करता है और सामान्य दृष्टि प्रोवाइड करता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों, और जो कोलाजन का निर्माण भी करता है, ठीक है, कोलाजन प्रोटीन का निर्माण करता है दोस्तों, जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। वही विटामिन डी की बात करें तो कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों के लिए मजबूत के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसका अवशोषण करता है दोस्तों, और उसका उपापचय भी करता है, ठीक है। विटामिन B12 अभी अभी हमने पढ़ा कि लाल रुधिर कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है आपका विटामिन B12, क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, 4, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर ये 4 वाला पॉइंट मिस था, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने इसको पूरी तरीके से समझ लिया। एक बार थम्सअप करके बताएं सभी कि समझ लिया या नहीं समझा, बिल्कुल समझ लिया। चलो
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल रक्त क्यों लाल सॉरी रक्त लाल क्यों दिखता है, वाई डज ब्लड लुक रेड। तो भाई अगर हल्का सा कट लग जाए दोस्तों, और कट लगने के बाद में दोस्तों आपकी कमेंट से लगातार बने हुआ हूँ, तो आप इसका आंसर करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो उमाकांत पटेल जी आ चुके हैं यहाँ पर, स्वागत है। अनवी जी भी आ चुकी हैं। तो लाल क्यों दिखता है, क्या लाइट के कारण? नहीं सर, सर ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है ना, क्योंकि दोस्तों हीमो का मतलब है हीम, जिसका कलर, जिसका मतलब होता है रेड, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन को दर्शाता है। किसको? प्रोटीन को। क्लियर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो जब हम कोई एक्साइटमेंट होते हैं, जब कोई खुशी हमको अचानक से मिलती है उमाकांत पटेल जी, तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज्ड होगा हमारी बॉडी में से, या हमारी किस में से दोस्तों? क्लियर? कौन सा हार्मोन होने वाला है रिलीज, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कॉर्टिसन दिया हुआ है, सीरोटोनिन दिया हुआ है, एड्रेनालिन दिया हुआ है, और एस्ट्रोजन दिया हुआ है। तो उमाकांत जी बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं कि जो एड्रेनल ग्लैंड होती है हमारी, उसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है एड्रेनल, ठीक है, यही हमारी एक्साइटमेंट को क्या करता है दोस्तों, एक्साइटमेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पिंजर बिल्कुल नहीं होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ बोन केज, जिसके अंदर बोन केज नहीं होता। क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन पर जाएंगे तो आप समझ पाएंगे, अरे इसके अंदर नहीं होता। जिसमें से दोस्तों तारामीन है, स्पंज है, ठीक है, जेलीफिश है, और सिल्वर मीन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेलीफिश हो जाएगा, बिल्कुल अंदर से हॉलो होती है। और जेलीफिश की मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मछली होती है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियाँ खतरनाक भी होती हैं। क्लियर? तो इसके अंदर बिल्कुल भी बोन केज नहीं पाया जाता है, इसके अंदर वाटर रहता है, और वाटर के कारण ये ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी मछली होती है, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके सिनेडेरिया ग्रुप में आती है, अगर हम फाइलम की बात करें तो, ठीक है। उमाकांत जी बिल्कुल इसमें घबराइएगा नहीं, सी ही इसका सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों स्टूडेंट्स को परेशान कर सकता है ना। तो उमाकांत जी बताएं, व्हाट डज द स्फिग्मोमैनोमीटर मीजर, क्या मीजर करता है इसमें से अगर हम बात करें तो, इसमें दोस्तों क्या मीजर करेगा ये आपको बताना है। क्लियर? चलो उमाकांत जी ने कहा भी क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करें तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर व्हाट डज द स्फिग्मोमैनोमीटर, देखिए सारी चीजों को समझिएगा अनवी जी। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें स्फिग्मोमैनोमीटर की, तो वो ब्लड प्रेशर रक्तचाप को मीजर करने में काम आता है, नो डाउट। वही अगर हम डेंसिटी ऑफ मिल्क की बात करें तो दोस्तों हाइड्रोमीटर है ना, और उसी हाइड्रोमीटर का टाइप क्या है, लैक्टोमीटर, ठीक है। अगर हम आरबीसी कैलकुलेशन की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर, साइटोमीटर। वही दोस्तों हार्ट बीट की बात करें तो स्टेथोस्कोप, क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। अरे होगा कि नहीं होगा सारी चीज़ों को, और यहाँ ही कन्फ्यूजन रहता है स्टेथोस्कोप में और स्फिग्मोमैनोमीटर में, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों 120/80 है ना mm ऑफ Hg, क्लियर। ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, इतनी स्पीड से ब्लड शरीर को रक्त देता है, और शरीर से ब्लड को 80 की स्पीड से आता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आसान सा प्रश्न है। निम्न में से सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है मेरे भाई, ये बताना है। तो वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है, जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, वो आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों इसके पास दिशा तो है, लेकिन दिशा है लेकिन ये वेक्टर का नियम फॉलो नहीं करता है, वेक्टर का नियम नहीं मानता, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर। और ऐसी ही क्वांटिटी जो डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर हैं, क्योंकि वो स्केलर एडिशन को मानती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं,
टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके बराबर होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर लॉजिक है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है, और स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो भी हो सकती है मेरे भाई। इसलिए वेलोसिटी भी आपकी कैसी हो सकती है? जीरो भी हो सकती है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस रहता है जो हमसे इंटरव्यू तक में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, एंड फाइनली स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सी ही होगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे दोस्तों। बाकी वॉल्यूम और स्पीड क्या हो जाएंगी आपकी? ये दोनों आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। चलो एक और शानदार क्वेश्चन। अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में लगानी है मेरे भाई। कौन से क्रम में लगानी है? अवरोही क्रम में, किस क्रम में होंगी, है ना। इन विच ऑर्डर आर द पेनिट्रेटिंग पावर्स, आर द पेनिट्रेटिंग पावर्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर, इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, वही ऑर्डर हमको फॉलो करना है। सर यूपीएससी का फॉर्म भर दूं क्या? क्या क्या आता है मेरे भाई? बिल्कुल भरिए उमाकांत जी, बिल्कुल भरिए, अपने आप को बिल्कुल भी कम मत समझिए। यूपीएससी का फॉर्म आपको भरने से सिर्फ एक ही लोग रोक सकता है, वो है आप खुद। तो अगर आप खुद को रोक लेंगे तो रोक लेंगे, अदरवाइज आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप जरूर भरिए, जरूर भरिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम तो देखो साइंस के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, है ना। चलो तो बताएं फटाफट से मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 का बी आ गया, है ना। तो अल्फा बीटा गामा ये हैं क्या? यही दोस्तों रेडिएशन है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनमें से रेडिएशन होता रहता है, तो वो इन्हीं किरणों के रूप में होता है जिसे अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। तो पेनिट्रेटिंग पावर है विच्छेदन शक्ति, यानी एकदम फाड़ के निकल जाना, है ना। तो वो सबसे अधिक किसकी होती है दोस्तों? गामा की होती है। तो गामा बीटा अल्फा क्या हो जाएगा? सही सीक्वेंस हो जाएगा, बीटा हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, तो अगर हम मास की बात करें तो मास सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका होगा, ठीक है, और इसका सबसे कम होगा। तो मास के हिसाब से तो ये ठीक लगी हुई है, क्योंकि इसका मास हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है दोस्तों। क्लियर, चलो साथ में इस पर ये भी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण है ना दोस्तों, ये जेल का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। जेल एक ऐसा सब्सटेंस जिसे आप बालों में लगाते हैं, है ना, क्रीम टाइप का होता है। अब आप समझ गए होंगे, तो चीज़ तो सर नहीं होगा जेल। हाँ अगर आप कढ़ा वो बना लें, क्या बोलते हैं उसको, अरे पनीर भुर्जी बना लें, तो वो जेल की तरह हल्की हल्की दिख सकती है, है ना। लेकिन फिलहाल चीज़ आपका जेल नहीं होगा, मिल्क भी जेल नहीं होगा, नन। अब एल्कलिन क्रीम है, तो भाई मैं कह रहा हूँ ना क्रीम टाइप की होती है, तो क्रीम को हम क्या बोल सकते हैं? जेल बोल सकते हैं, छोर क्रीम बोल सकते हैं, एल्कलिन क्रीम बोल सकते हैं। क्यों उमाकांत जी? पनीर वाला, पनीर वाला कहाँ है भाई? पनीर वाला भी आएगा क्या? चलो कोई बात नहीं, तो एल्कलीन क्रीम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर से। डेल्टोनिज्म, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पहले मैं आपका परसेप्शन जानना चाहूँगा दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में, आपका परसेप्शन जानना चाहूँगा इस वाले क्वेश्चन में कि डेल्टोनिज्म क्या है, जिसे हम प्रोटेनोपिया कहते हैं। एक प्रकार का वर्णधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो एक प्रकार का कलर नहीं देख पाता है। उमाकांत जी ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार का कलर नहीं देख पाते हैं, किसमें? डेल्टोनिज्म की बात चल रही है। ये बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस का ही एक कंसेप्ट है। सो यहाँ पर डेल्टोनिज्म के बारे में कह रहा है, जिसको प्रोटेनोपिया बोलते हैं। तो प्रोटेनोपिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या
कौन सा कलर रिसीव नहीं हो पाता, रेड कलर रिसीव नहीं हो पाता। उमाकांत जी शानदार, ठीक है। बाकी एक कंसेप्ट में ब्लू और एक में ग्रीन भी रहता है, लेकिन दोस्तों प्रोटेनेपिया की अगर हम बात करें तो उसमें रेड कलर रिसीव नहीं हो पाता। बहुत शानदार, देखिएगा गलती को कितनी जल्दी सुधारा है ना। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं वो बाई मिस्टेक, यानी मिस्टेक भी बाई मिस्टेक हो जाती है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देख रहे होंगे वाकई ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने आए हैं, और जो लोग क्लास में नहीं हैं उनको भी बताना है कि यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्द वैकेंसी यूपी पुलिस की आने वाली है, झंडे गाड़ देंगे जैसे ही वैकेंसी आएंगी। इस बार कोई चूक नहीं करेगा, इस बार भी कोई चूक नहीं करेगा एसटी कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं या क्या होता है? वॉट इज एग्जैक्टली इज अ मैग्नीफाइंग लेंस। तो अगर हम बात करें दोस्तों मैग्नीफाइंग लेंस वास्तव में क्या होता है, समतल अवतल लेंस होता है, प्लेन कॉनकेव लेंस होते हैं, या अवतल लेंस को बोलते हैं, या उत्तल लेंस को बोलते हैं, या फिर बेलनाकार लेंस सिलिंड्रिकल लेंस को बोलते हैं। क्वेश्चन तो धांसू है भाई, ये भी बिल्कुल कंफ्यूज करेगा दोस्तों। मैग्नीफाइंग का मतलब है आवर्धन, मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं। अवतल नहीं होगा मेरे भाई, उत्तल होगा भाई। कॉन्वेक्स लेंस भाई आपके जो माइक्रोस्कोप में है वो कॉन्वेक्स लेंस ही तो यूज़ होते हैं। तो हम मैग्नीफाइंग लेंस की अगर बात करें तो उसमें आपके उत्तल लेंस इस्तेमाल होते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 13। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? भैया होता है नहीं होता, तो क्रीम को ऐसे मथते हैं, ऐसे मथते हैं, कभी आपने भी किया होगा अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, या दही को चलाते हैं घर में जब रायता बनाना होता है ना, खाने के साथ जब परांठे और गोभी आलू की सब्जी बनती है तो वहाँ पर जब हम दही को मथते हैं, यहाँ पर बेसिकली दूध को है, लेकिन मथना एक सेम प्रोसेस है दोनों के लिए। तो वो प्रोसेस के द्वारा क्रीम बाहर की तरफ भागती है, सेंटर से दूर भागती है, और जब कोई चीज़ केंद्र से दूर भागेगी तो वो किस प्रकार का बल माना जाता है? वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स माना जाएगा। सर नहीं, ग्रेविटेशनल तो बिल्कुल नहीं, फ्रिक्शनल का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा क्या बचेगा आपका? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हिंदी में अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि क्रीम को सेपरेट करना, इसको चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, चर्न। ठीक है दोस्तों, इसके एक और एग्जाम्पल आता है, वो आता है आपका स्पिन ड्रायर। कौन सा आता है? स्पिन ड्रायर, यानी जो वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने वाला जो भाग होता है, वो भी बेसिकली क्या करता है, आपके कपड़ों के पानी को बाहर सेंटर से दूर बाहर फेंक कर मशीन के द्वारा बाहर निकाल कर कपड़े का मॉइस्चर बहुत कम कर देता है, फिर हल्का सा धूप में डाल दो उन्हें, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। सेंट्रीपीटल की अगर हम बात करें दोस्तों तो लट्टू का घूमना है ना, स्पिनिंग ऑफ टॉप, स्पिनिंग मतलब घूमना, ऑफ टॉप, टॉप माने लट्टू। ठीक है, और जो वॉशिंग मशीन होती है ना आपकी, वॉशिंग मशीन का जो वॉशर वाला पार्ट होता है, कपड़े धुलने वाला जो पार्ट होता है जिसमें मोटर लगी रहती है, और ड्रायर, ड्रायर तो आपका ये हो गया है ना जिसमें मोटर लगी रहती है, वो भी आपका सेंट्रीपीटल फोर्स पर, अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ओके चल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि? क्योंकि तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम थर्मोमीटर्स की बात करें तो वो गैसेस थर्मोमीटर भी होते हैं, सॉलिड थर्मोमीटर भी होते हैं, और लिक्विड थर्मोमीटर भी होते हैं। तो यहाँ पर गैसेस थर्मोमीटर की बात कर रहा है कि सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब है जैसे मान लीजिए दोस्तों दो लोग आइसक्रीम ने खाई रात को 11 बजे शादी में, एक को जुकाम हो गया एक को नहीं हुआ, तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन माना जाएगा? जिसको जुकाम हो गया। क्लियर, तो वही कह रहा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि? क्यों होते हैं? क्योंकि गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज। अब ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, 14 का डी आंसर आ चुका है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। बात तो इसकी सही है, हल्की होती है गैस जो है वो हल्की होती है, ये भी बात ठीक है कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, लेस स्पेसिफिक हीट, या कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। देखिए दोस्तों ये आपको भी पता है,
जब थर्मोमीटर जो कि एक लिक्विड का एग्जाम्पल है जो हमारे मुंह में लगाया जाता है, लिक्विड थर्मोमीटर होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होती है। अब जैसे ही मर्करी को हम लगाते हैं वो टेम्परेचर शो करता है अपने आप को एक्सपेंड करके, है ना। लेकिन वो मर्करी क्या है, लिक्विड, वो अपने आप को एक्सपेंड करेगी, लेकिन अगर गैस तो उससे भी अच्छे से एक्सपेंड हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रसार गुणांक। तो इसका मतलब जो गैस का प्रसार गुणांक है वो क्या है, अधिक है किससे, लिक्विड से। इसलिए वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लिक्विड को राइज होना पड़ेगा, उससे पहले एक्सपेंड हो जाएगी गैस, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं। ठीक है उमाकांत जी, पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए मेरा, पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो एक्सपेंशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा गैसेस में। यही कारण है कि जो गैसेस के थर्मोमीटर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, मोर सेंसिटिव रहते हैं। ओके, अगर हम बात करें दोस्तों लिक्विड थर्मोमीटर्स की, तो इसमें मर्करी थर्मोमीटर और एल्कोहल थर्मोमीटर्स, दो थर्मोमीटर्स आते हैं। क्लियर, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है। इसका मतलब तीन पॉइंट ऐसे होंगे जो वायुमंडलीय परिवर्तन के एग्जांपल्स होंगे, जिसे हम इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये उसके हम फिनोमिना से आसानी से समझ जाएंगे। पहला फिनोमिना क्या है, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है दोस्तों। क्लियर, क्योंकि जो लाल इसलिए दिखता है क्योंकि शाम के समय और जो कलर है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, छट जाते हैं। तारों, रात में तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना का मतलब है कि अपनी तारे एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखते हैं, है ना। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर बताऊँ दोस्तों, सपोज कीजिए ये अर्थ है और ये इसके आसपास दोस्तों क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर कोई स्टार है, है ना। अब मान लीजिए स्टार से कोई लाइट आ रही है, तो दोस्तों ऊपर जो है गर्म हवा रहती है, हॉट एयर, ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या रहेंगी, कोल्ड एयर। तो यहाँ पर इस मीडियम को हम संघन माध्यम, रेयर मीडियम, विरल माध्यम बोलेंगे, और इसको डेंसर मीडियम, सघन माध्यम बोलेंगे। अब जैसा कि हमको पता है कि जब भी कोई रेयर से डेंसर में जाएगी, अगर ये इसका दोस्तों नॉर्मल है तो वो बेसिकली सीधा जाने की बजाय कहाँ से मुड़ जाएगी, नॉर्मल की जगह। तो हमको ये तारा यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, तो इसको ही हम बोलते हैं कि तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे। तो दिस इज़ ऑल एग्जाम्पल ऑफ एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, या सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट, बेसिकली 2 ही मिनट होता है, पहले दिखाई देना, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट है। लेकिन ये दोस्तों तारों के लिए हो जाएगा, सूर्य के लिए नहीं। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खमीर महत्वपूर्ण स्रोत है ईस्ट, जो कि एक फर्मेंटेशन का, एक किण्वन का एक क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट है। क्लियर भाई, सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सेशन को क्या करेंगे मेरे भाई, सेशन करेंगे, सेशन को यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलो, तो अगर मैं बात करूँ, खमीर महत्वपूर्ण स्रोत है ईस्ट एंड इम्पोर्टेंट सोर्स, तो किसका इम्पोर्टेंट सोर्स है, वाइटामिन का, इन्वर्टेस का, वाइटामिन सी का, या प्रोटीन का, है ना। अनवी जी ने कहा 2, देखिए इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी, और विटामिन बी में विटामिन बी 2 का, जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, न्यूरॉन क्या है। अब न्यूरॉन क्या किसी हॉलीवुड मूवी का नाम है दोस्तों, न्यूरॉन क्या किसी हॉलीवुड मूवी का नाम है, उमाकांत जी जी बताएं फटाफट से कि अगर हम बात करें न्यूरॉन की, क्या बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन क्या है, ठीक है। तो ऊर्जा का आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण है, या न्यूरॉन के प्रतिकण, एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन, या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। इसका आंसर तो बहुत आसान है मकान जी, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसका आंसर करें। क्लियर, तो दोस्तों अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है, और इस न्यूरॉन को हम लॉन्गेस्ट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो आपकी न्यूरॉन कोशिका ही होती है दोस्तों, है ना। क्या होती है, न्यूरॉन कोशिका, और इन न्यूरो
कौन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है इन न्यूरॉन कोशिका में। समझ में आ गया? लंबा और बड़ा, लंबे का मतलब है कुतुब मीनार, बड़े का मतलब है आपका लाल किला, ठीक है, याद रखिएगा दोनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डायोप्टर पे। डायोप्टर किसकी इकाई है, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ व्हाट। तो इनमें से डायोप्टर मेरे भाई किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो क्या लेंस की क्षमता की है, या लेंस की फोकस दूरी की है, या प्रकाश की तीव्रता की है, या ध्वनि की तीव्रता की है। तो अगर हम डायोप्टर की बात करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सर ये तो पावर ऑफ लेंस होती है ना, और ये पावर ऑफ लेंस जो होता है पी इज इक्वल टू 1/f होता है, किसमें, मीटर में, ठीक है। आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसको 100/f भी लिख सकते हो, क्लियर है। चले आगे भाई, तो डायोप्टर ये हो गई। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम डेसिबल में मीजर कर सकते हैं, किसमें मीजर कर सकते हैं, डेसिबल में मीजर कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो, देखिए अगर हम बात करें WBCs और RBCs तो WBCs साइज में बड़ी होती है, लेकिन WBCs के टाइप में भी जो सबसे बड़ी WBCs होती है जिन्हें आर्मी ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्मी, क्योंकि ये हमारे क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, हमें बीमारियों से बचाती हैं। जगन्नाथ बेहरा भी आ चुके हैं, हेलो जगन्नाथ भाई, स्वागत है आपका, क्लियर। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु या सेल कोशिका कौन सी है, तो उसमें दोस्तों लिम्फोसाइट है, न्यूक्लियस मोनोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है, या फाइनली एरिथ्रोसाइट है। तो एरिथ्रोसाइट तो मेरे भाई रेड ब्लड सेल होती हैं, ये तो होगा ही नहीं। थ्रोम्बोसाइट आपकी प्लेटलेट होती हैं, ये भी नहीं होगा। बचा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोनोसाइट हो जाएगा भाई। थ्रोम्बोसाइट्स तो प्लेटलेट को कहते हैं, WBCs के टाइप में सिर्फ दो ही हैं यहाँ पर, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका होती है वाइट ब्लड सेल की। कोई डाउट, समझ में आया दोस्तों? चलो चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं, येलो स्पॉट्स ऑन सिट्रस लीव्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिट्रस लीव्स आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो किसकी कमी से होते हैं ये आपको बताना है, जिंक की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, बोरोन की कमी से, या आयरन लोहे की कमी से। बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों येलो स्पॉट्स ऑन सिट्रस लीव्स यानी जो आपके सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू संतरे इनके पत्तों पर पीला पीलापन सा आ जाता है, तो वो बेसिकली किसकी कमी से आता है, वो आपके मैग्नीशियम की कमी से आता है, जो प्लांट्स के लिए बेसिकली क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है, ठीक है दोस्तों। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुपोध दुग्ध कौन उत्पन्न करता है, ये क्या होता है, कुपोध दुग्ध क्या होता है मेरे भाई, क्या वास्तव में ही क्या कोई दूध होता है। उमाकांत जी, एम जी, ये क्या है भाई एम जी, चलो हाँ मैग्नीशियम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुपोत मिल्क की, तो उमाकांत जी ये बताएं कि ये कुपोत मिल्क किसके द्वारा दिया जाता है, कोई फसल है क्या कुपोत मिल्क के, या पक्षियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, या सभी मैमल्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज क्रॉप। नहीं, देखिए ये बर्ड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला एक ऐसा फ्लूड है जो उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कुपोत दुग्ध या कुपोत मिल्क बोलते हैं, जो बर्ड्स द्वारा, ठीक है, स्पेशली पिजन कबूतर, बहुत बढ़िया, पिजन मिल्क भी इसको बोला जाता है दोस्तों, पिजन मिल्क भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वाताशय नहीं होता, वाताशय नहीं होता है, किसके अंदर दोस्तों, ब्लैडर नहीं होता है। अगर हम अपने गॉल ब्लैडर की बात करें तो जो बाइल जूस है उसी के अंदर स्टोर होता है, तो इनमें से किसके अंदर ब्लैडर नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि ब्लैडर एब्सेंट रहता है इनमें से किसके अंदर। कटल फिश है, अस्थि मछली, बोनी फिश है, या उपास्थि सम मछली जिसको हम कार्टिलेजीनियस फिश बोलते हैं, या रजत मछली जिसे सिल्वर फिश बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन में दम है दोस्तों, फटाफट से आंसर बताएं कि क्या आंसर होगा। कटल फिश की बात करें, बोनी फिश की बात करें, या उपास्थि सम मछली की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्टिलेजिनियस फिश हो जाएगा, जिसके अंदर क्या नहीं होता, वाताशय मतलब कि ब्लैडर नहीं रहता है, ब्लैडर एब्सेंट रहता है। बहुत शानदार जगन्नाथ जी, बहुत शानदार। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है, अरे भाई जो विलुप्त हो चुका है, जो अब इस जनरेशन में नहीं है, वो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, बताएं। तो भाई क्या पैसेंजर पिजन है, यात्री कपोत है, या पर्वतीय बैटर है, माउंटेन क्वेल है, गुलाबी सीड्स बत्तख है, पिंक टॉप डक है, या आइबिस है, है ना, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। उमाकांत जी कह रहे हैं कि सर आइबिस क्या होता है, मैंने तो कभी सुना नहीं, तो आइबिस ही है जो विलुप्त हो चुका है, है? चलो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, वो है पर्वतीय बटेर। ठीक है, ये पर्वतीय बटेर बेसिकली उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, मैं पूरा लिख देता हूँ, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में पाए जाते थे, लेकिन ये 1876 तक देखे गए थे, उसके बाद ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, पर्वतीय बटेर आ जाएगा, माउंटेन क्वेल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी धांसू क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो एक एक क्वेश्चन ने आपको दोस्तों सिखाया होगा, अरे मेरे भाई एक बर्ड ही है, अगर हम बात करें तो पर्वतीय बटेर एक चिड़िया ही है, है ना, जो अब विलुप्त हो चुकी है, जो आपके आपके भारत के उत्तराखंड में ये पाई जाती थी, लेकिन 1876 के बाद भी इसको देखा जाना बंद हो गया। ठीक है, चलो मतलब अब विलुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉरी टॉलेस्ट प्लांट, सबसे लंबा जो सीधा बढ़ता है वो क्या है, यूकेलिप्टिस प्लांट है, ये ऑस्ट्रेलिया का मूल पौधा है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। हाँ, डोडो भी विलुप्त हो चुका है, डोडो पक्षी भी हो चुका है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों टॉलेस्ट प्लांट की, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यूकेलिप्टस हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन है, जितने भी लोग सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करेंगे दोस्तों, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो आपने शायद सीखे हैं आज, है ना, आज सीखे हैं, आज ये मत सोचिए कि हमने वो पढ़े हैं, आपने सीखे हैं, सीखा हुआ आपको जल्दी याद रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों। और जिस क्वेश्चन में समस्या हुआ करे उसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको रिवाइज करिएगा, विदाउट रिविज़न नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, चलो तो आसान सा क्वेश्चन है, कुनैन पर है, कि कुनैन निम्नलिखित में से किस से निकाली जाती है, कुनैन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या सर्पगंधा से निकाली जाएगी, अफीम से निकाली जाएगी, सिनकोना से निकाली जाएगी, या धतूरा से निकाली जाएगी? तो मलेरिया की दवा है, और ये किस से निकाली जाती है मेरे भाई, सिनकोना। ठीक है, तो किसकी मेडिसिन है ये, मलेरिया, इसकी है मेरे भाई मलेरिया, जो कि एक प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है, याद रखिए। समझ में आया दोस्तों, तो ये था आपका आज का सेशन। आज ही मैं आपको फिर से एक 25 क्वेश्चन के सेशन के साथ आज एमटीएस में मिलने वाला हूँ दोस्तों, 5:15 पर, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस में मिलने वाला हूँ आपको 7:20 शाम में, उसके बाद दोस्तों अग्नि फिर से मिलने वाला हूँ 9:20 PM। तो ये तीन क्लासेस और हमें अभी करनी है साइंस की। समझ में आया मेरे भाई, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए, मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय